माँ ज्वालामुखी के दरबार पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम बनने के बाद पहली बार मंदिर पहुंचे सीएम, कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की कही बात। अडानी ग्रुप विवाद पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़क से सदन तक, माफ कीजिएगा, संसद से सड़क तक कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। शिमला में कांग्रेस ने एसबीआई के सामने किया प्रदर्शन। मंत्री ने किया भौठा पगोग पंचायत का दौरा, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया दौरा, मंत्री ने सुनी लोगों की समस्या। कांगड़ा में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की पैमाइश 6 साल बाद शुरू होगी पैमाइश, और दोहरस के लोगों में खुशी की लहर। और हिमाचल प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी, 9 फरवरी से फिर पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं, सीएम बनने के बाद पहली बार मां ज्वालामुखी के दर हाजिरी लगाने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं। सीएम ने प्रदेश की प्रगति, उन्नति, शांति और समस्याओं के निपटारे के लिए आशीर्वाद मांगा है, और यहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात भी कही है। सीएम ने कहा है कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का काम 2 साल में पूरा होगा और जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सीएम ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि कांगड़ा जिला को अभी और मंत्री मिलेंगे, और वहीं सीएम ने कहा है कि पोंग बांध में भी पानी की खेलों का आयोजन भी हो और टूरिस्ट भी पहुंचे, इस पर भी काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा है कि कांगड़ा जिले के देहरा में एक राष्ट्रीय स्तर का जू भी बनने जा रहा है, और सीएम मां ज्वालामुखी के दर्शन के बाद विधायक संजय रत्न के घर गए। मां के चरणों में अपना शीश नवाजा है, हमने आशीर्वाद मांगा है प्रदेश की प्रगति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, और प्रदेश जो कि देव भूमि के नाम से जाना जाता है, वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, उसमें शांति रहे, और जो प्रदेश की समस्याएं हैं उसके लिए माता से मैंने आशीर्वाद ही मांगा कि उसका निपटारा हम कर सके। इस दृष्टिकोण से मैं आज ज्वालामुखी माता के मंदिर में अपना शीश झुकाने के लिए, आपने कहा कि पूरे कांगड़ा को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। और रिवालसर में भारतीय हिमाचली परिषद नालंदा बौद्ध धर्म के राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राजस्व, बागवानी और जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिरकत की है। नालंदा बौद्ध धर्म खोज के विषय पर महत्वपूर्ण कदम है, और सम्मेलन में लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने कहा है कि रिवालसर की धरती बहुत पावन धरती है, और गुरु पदम संभव ने 8 साल रिवालसर की पहाड़ियों में घोर तपस्या की थी। रिवालसर को गुरु पदम संभव की तपोस्थली माना जाता है, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में गुरु पदम संभव का अहम योगदान रहा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने संस्था को कार्यक्रम के आयोजन व बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने अपनी ऐच्छिक निधि से संस्था को 3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है आज देश के अंदर जो है बहुत सारे धर्म है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, और हर धर्म में बहुत सारे धर्म गुरु हैं, हर किस्म की यहाँ पर जो है इसमें अपने अपने जो है यहाँ पर हर धर्म अपने जो है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार की जो है इनके कोशिशें रहती है। वहीं पर हमें संविधान के द्वारा जो है बौद्ध धर्म को भी उसी तरह से जो अन्य धर्म है उतना ही आगे प्रसार और प्रचार करने का हमें अधिकार है।
और उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिकी रिसर्च फर्म द्वारा लगाए गए वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप पर सियासी पारा देश भर में हाई है। आज कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हिमाचल में भी कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। शिमला में कांग्रेस ने एसबीआई की मुख्य ब्रांच के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि एसबीआई और एलआईसी में लोगों का लाखों करोड़ों आज डूबने के कगार पर है और ये बहुत बड़ा स्कैम है। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक इसके खिलाफ आवाज उठा रही है और जेपीसी बैठाकर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग भी कर रही है। एसबीआई का पैसा 45 करोड़ लोगों का पैसा लगा है, एसबीआई ने जो है इन्वेस्ट किया है, लोन दिया है अदानी को। उसी तरह एलआईसी पे 40 करोड़ लोगों का, भारतवर्ष के लोगों का पैसा लगा हुआ है। आज ये सारा पैसा डूबने के कागार पे है। इतना बड़ा स्कैम हुआ, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी बड़े समय से इस बात को उठा रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जो उद्योगपति दोस्त है वो बाई नेम कहते थे इस बात को, अदानी और अंबानी का नाम उन्होंने हजारों बार बोला, वो ये आगाह कर रहे थे देश को कि इनके बीच। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सोमवार को केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और अडानी समूह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि अडानी द्वारा सैकड़ों हजार करोड़ की सार्वजनिक राशि और खातों में घोटाले और गड़बड़ी की जांच संयुक्त संसदीय समिति या भारत के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में करवाने की मांग की गई है, जिसको मंडी जिला मुख्यालय में जिला अध्यक्ष प्रकाश चौधरी, वरिष्ठ नेता कौल सिंह और पूर्व सीपीएस सोहन ठाकुर के नेतृत्व में एलआईसी और एसबीआई बैंक के सामने धरना प्रदर्शन किया गया है। और इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के लोगों की गाढ़ी कमाई को खतरे में डाल रही है। अडानी के खातों में घोटाले के सामने आने के बाद और कांग्रेस को देश में उन लोगों की चिंता है जिन्होंने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई इन वित्तीय संस्थानों में लगा रखी है। उन्होंने अडानी समूह द्वारा संचालित हजारों करोड़ों की सार्वजनिक राशि के बड़े घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति या भारत के मुख्य न्यायाधीश के देखरेख में करवाने की मांग की है। बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लाखों करोड़ रुपए जो है श्री अडानी जी ने हड़प लिए हैं, इसके खिलाफ जो है आज पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी अभियान एलआईसी को बचाने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बचाने के लिए। और जिस तरीके से सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, ये केंद्र की मोदी सरकार अडानी के बचाव में खुले रूप से आ रही है। और पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने अपनी कसुमटी विधानसभा क्षेत्र का रविवार से दौरा शुरू कर दिया है। मंत्री बनने के बाद अनुरुद्ध सिंह अपने क्षेत्र का दौरा नहीं कर पाए थे और वही अब उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों का आभार जताते हुए कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और रविवार को शिमला शहर के साथ लगने वाली पंचायत भौंट पगोग का दौरा किया है। भौंट पहुंचने पर क्षेत्र की जनता ने पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह का जोरदार स्वागत किया है। पंचायती राज मंत्री ने दोनों पंचायतों के सभी गांवों का दौरा किया है और लोगों की समस्याओं को सुना है और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया है। जहां तक गुलचा की बात है, अभी हम आए थे तो यहां पे जो सड़क है, क्योंकि ये ना बजटेड रोड थी और ना ही पीडब्ल्यूडी के अंदर है, इसको पक्के करने के अभी आदेश दिए हैं। और साथ ही पानी की, क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ वाटर पूरे वर्ल्ड में जो है कम होता जा रहा है, दिक्कत सभी को आ रही है, तो पानी की यहाँ एक नई स्कीम जो है हमने पगोग पंचायत के लिए सैंक्शन कराई थी, जो जिसका काम ऑलरेडी 95% कम्प्लीट हो चुका है। तो वहाँ से कोशिश करेंगे कि यहाँ के लिए एक लाइन 15 घर हैं यहाँ पे गोलचा गांव में, यहाँ पे आ सके। साथ ही छोटी छोटी समस्याएं रहती है, किसी का पोल हटाना है, किसी का पोल हटाना है, या एक पुराना स्कूल है जिसमें बच्चे नहीं है, उसमें कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की डिमांड। और विश्व प्रसिद्ध वेटलैंड साइट पोंग डैम में इस समय इस बार
पहली मर्तबा वन्य प्राणी विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़ने की नई पहल की गई है और इससे जहां एक ओर पोंग डैम में विदेशी पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं पोंग डैम की जमीन पर होने वाली अवैध गेहूं की खेती पर भी लगाम लगेगी। सीसीएफ वन्य प्राणी विभाग धर्मशाला उपासना पटियाला ने बताया है कि विभाग द्वारा पहली बार स्थानीय लोगों को समूह में जोड़कर उन्हें होम स्टे, टूरिज्म गाइड और टूरिस्ट हैंडलर और महिलाओं को अचार, चटनी, सीरा बनाने सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा है कि इन कार्यों को विभाग द्वारा और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि महिलाओं को आगे आने का अवसर मिले। इस बार पहली बार हम जो है लोगों कम्युनिटी को ट्रेनिंग देने में सक्षम रहे हैं और डीएफओ वाइल्ड लाइफ हमीरपुर और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मिस्टर परमार करके हैं जो एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सहयोग से हमने यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई है पोंग डैम एरिया में। उसमें कम्युनिटी से ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे होम स्टे की ट्रेनिंग दी है कुछ लोगों को, टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दी है, टूरिस्ट हैंडलर्स की ट्रेनिंग दी है, इसके अलावा स्थानीय लोगों को जो है वो अचार बनाने की ट्रेनिंग दी है और इसको जो है हम और आगे बढ़ाएंगे ताकि वो जो लेडीज हैं, वो जो स्थानीय लोग हैं, वो और आगे आए और उनका जो है वो रोजगार भी। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देहरा के नए भवन बनाने के लिए रास्ता साफ हो गया है। यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पैमाइश शुरू कर दी है और जिससे देहरा के लोगों में खुशी का माहौल है। और आज से 6 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने देहरा में डिग्री कॉलेज बनाने की घोषणा 2 फरवरी 2017 को की थी, लेकिन अभी तक ये कॉलेज सरकारी स्कूल के 2 कमरों में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद अब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देहरा को नए भवन निर्माण की आस जगी है। कांग्रेस नेता सुनील कश्यप ने बताया है कि आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देहरा की पैमाइश का काम शुरू हो गया है और जल्द ही नया भवन भी बनकर तैयार हो जाएगा। मैं तो कहूंगा भाजपा सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया, ये जो भवन था एक टूटे हुए भवन में चल रहा था, क्योंकि ये मामला जो है शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि इसमें हमारे जो देहरा के आसपास के गांवों से स्कूलों से बच्चे आते हैं उनके लिए बैठने की असुविधा थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इसको एक अच्छे रास्ते में डाल दिया था। लेकिन जैसे ही ठाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से मैं तो सभी विभागों के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने स्तर पर इसके लिए। और हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से कड़े तेवर दिखा सकता है। प्रदेश में 9 फरवरी से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश करेगा और जिसका असर 2 दिन तक रहेगा और इस दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। वहीं आज राजधानी शिमला में सुबह मौसम ने कड़े तेवर देखने को मिला है और शिमला में सुबह रुक रुक कर बारिश होती रही है। दोपहर बाद बादलों की लुक्का छुपी जारी रही और मौसम विज्ञान केंद्र ने आज सोमवार के लिए तेज हवाओं या का येलो अलर्ट भी जारी किया है। आज 24 घंटे में कुछ 3 जिले चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू के ऊपर के एरियाज वहां पे हल्का स्नोफॉल देखने को मिला है। बाकी प्रदेश के हिस्से जो मध्यम और निचले क्षेत्र है वहां पे बादल और हल्की बारिश देखने को मिली है। टेम्परेचर की जहां तक बात है, टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा चल रहे हैं जो दिन के तापमान है, और जो रात के तापमान है उसमें सामान्य से कुछ कमी है। और अगले जो अगर फोरकास्ट ऐसा है कि आज खराब रहेगा, कल और परसों में इसमें। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।